नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमबीपीएससी विद केके। आज है 9 सितंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे लगभग 302 करोड़ से अधिक के कार्यों का लोकार्पण या भूमि पूजन किस जिले में किया गया और भी बहुत कुछ हम आज के करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की या हमारे किसी अन्य लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की सेवा प्रदान अवधि अब 15 दिवस किस अधिनियम के अंतर्गत होगी। जी हाँ, जो खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की सेवा प्रदान की अवधि है उसे अब 15 दिवस कर दिया गया है, यह किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर एक है लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, ऑप्शन नंबर दो है रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन नंबर तीन है गरीबी अधिकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर चार है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना में कुछ पहलुओं को विलोपित करते हुए नए सिरे से अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण की अवधि 15 दिवस की गई है। प्रथम अपील प्रकरण में भी निराकरण की सीमा 15 दिवस होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए आते हैं, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि यह जो आपका लोक सेवा गारंटी प्रदाय अधिनियम है, इस तरीके का अधिनियम लागू करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था भारत में। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आते हैं, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के साथ राज्यपालों का सम्मेलन संपन्न हुआ, यह किस उद्देश्य से हुआ था, क्या इसका कारण था, किस मुद्दे पर लेकर यह सम्मेलन किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर एक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में, स्ट्रीट वेंडर में मध्य प्रदेश के प्रथम रहने के संबंध में, गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश के प्रथम रहने के संबंध में, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में। जैसा कि सभी को मालूम है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। इसके संबंध में विभिन्न राज्य प्रधानमंत्री एवं राज्यों के राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के बीच में एक सम्मेलन हुआ था जो कि संपन्न हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है, आनंदी बेन पटेल, इन्होंने इसमें भाग लिया और यह मध्य प्रदेश एवं यूपी दोनों की राज्यपाल हैं और एक राज्यपाल पद पर बने हुए दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह संविधान के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। यहाँ पर आप देखिए आपका सेकंड ऑप्शन है स्ट्रीट वेंडर में मध्य प्रदेश के प्रथम रहने के संबंध में। तो जी हाँ, स्ट्रीट वेंडर्स को पैसे जो ऑनलाइन प्रोवाइड किए गए हैं, जो राशि ऑनलाइन उनके अकाउंट्स में ट्रांजेक्ट की गई है, इसमें मध्य प्रदेश बना है प्रथम। जी हाँ, स्ट्रीट वेंडर अर्थात वह लोग जो रोडों के किनारे पर रेड़ी ठेला विभिन्न प्रकार के जो छोटे स्तर के व्यवसाय करते हैं, उन्हें 10,000 रुपए का इसके अंतर्गत लोन प्रदान किया गया है। सेकंड थर्ड ऑप्शन है आपका गेहूं उपार्जन। जी हाँ, गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश इस वर्ष देश में रहा है नंबर वन पर। इसने किसे पीछे छोड़ा है, पंजाब को। जी हाँ, पंजाब को पीछे करते हुए मध्य प्रदेश बन गया गेहूं उपार्जन में नंबर वन। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। उच्च शिक्षा के रूपांतरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर आज राज्यपाल के सम्मेलन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है हमारे, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा प्रदेश के राज्यपालों, उपराज्यपालों एवं विद्यालय के कुलपतियों के साथ की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने कहा कि दोनों राज्यों में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों प्रदेशों में गठित टास्क फोर्स के निकट भविष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिस पर समय विचार विमर्श के उपरांत इसे लागू करने दिया जाएगा। तो यह प्रमुख रूप से कुछ पॉइंट थे इसके जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
302 करोड़ से अधिक के कार्यों का लोकार्पण या भूमि पूजन किस जिले में किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन हमारा, किस जिलों में अभी तक का सबसे अधिक जो किया गया है लोकार्पण। तो आपका ऑप्शन नंबर एक है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, सागर डिस्ट्रिक्ट, भोपाल डिस्ट्रिक्ट, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। और अनूपपुर से क्या होता है आप लोगों को मालूम ही होगा, नर्मदा नदी का उद्गम यहीं से होता है, जिसकी लंबाई कितनी है 13-12 किलोमीटर टोटल, और 10-77 कहां पर है मध्य प्रदेश में है। तो चलिए देखते हैं, सेकंड जिला है आपका सागर जिला। सागर जिले में क्या किया गया था, गंदगी मध्य प्रदेश छोड़ो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री हैं। और आपका तीसरा जिला है भोपाल जिला। भोपाल जिले में अभी जो स्वच्छ जल प्रदान करने के लिए एक संयंत्र का उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा किया गया था, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। भोपाल जिले में एक और इंपॉर्टेंट कार्य हुआ था, भारत माता की एक मूर्ति लगाई गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता हो उसकी हाइट कितनी थी तो बताइए, अगर आप नहीं बताएंगे तो कल मैं आपको जरूर बताऊंगा, मगर आई होप अगर आप लोग सीरियसली मेरा करंट अफेयर सुनते होंगे तो आप जरूर बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। 302 करोड़ से अधिक के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अनूपपुर में लगभग 302 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। तो शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह कार्य संपन्न किया गया। प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदेश में शीघ्र शासकीय नौकरियों में भर्ती प्रारंभ की जाएगी है किसके द्वारा कहा गया। काफी इंपॉर्टेंट है और सोशल मीडिया पर काफी अधिक वायरल भी है, आई होप अभी तक आप लोगों को मालूम ही चल गया होगा। इसका राइट आंसर है आपका शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बड़े स्तर पर शासकीय भर्ती की जाएंगी। अभी कल के करंट अफेयर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो खनिज संसाधन वाले क्षेत्र हैं उनमें मध्य प्रदेश के कितने परसेंट युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, 75% युवाओं को रोजगार दिया जाएगा खनिज विभाग में, जो भी विभिन्न प्रकार की पोस्टें होंगी। सेकेंड है नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह जेल एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं। इनके द्वारा अभी जो जेल में कैदी बंद हैं उनको ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग के लिए एक जारी किया गया था। सेकेंड इनका इंपॉर्टेंट कार्य है, 4000 मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती निकाली गई थी और जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं। और गोविंद सिंह जी थर्ड आपके यह मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री हैं, सॉरी यह मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं, नॉट पर्यटन मंत्री, मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री हैं आपकी उषा ठाकुर। में कई बार आप लोगों से जिक्र कर चुका हूं। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रदेश में शीघ्र शासकीय नौकरियों में भर्ती प्रारंभ की जाएगी, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही शासकीय भर्ती प्रारंभ की जाएंगी, फैक्ट्रियों में भी 75% भर्ती युवाओं की ही होंगी। चलिए आते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शीघ्र ही प्रदेश में नवीन 37 लाख पात्रता लोगों को राशन की उपलब्धता के लिए पात्रता पर्चियां वितरित की जाएंगी, यह किसके द्वारा कहा गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये, राशन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। आपके सामने आपका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है आपका माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहा गया कि शीघ्र ही प्रदेश में 37 लाख लोगों को राशन पर्चियां उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पर्चियों का वितरण कब से शुरू हुआ है, 7 सितंबर से इसको शुरू किया गया है। इसके पहले इसकी डेट रखी गई थी 3 सितंबर जबलपुर, परंतु वह जो राष्ट्रीय शोक हो गया था पूर्व राष्ट्रपति जी के निधन के कारण, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक था मध्य प्रदेश का, इसलिए यह हो नहीं पाया था। तो 7 तारीख को इसे नेक्स्ट डेट इसकी रखी गई थी, 7 तारीख। चलिए आते हैं देखते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज। जैसा कि हमने देखा इन्होंने भूमि पूजन किया है, और अनूपपुर जिला काफी इंपॉर्टेंट है, आदिवासी बहुल जिला है, साथ ही साथ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी है, और इतनी अधिक योजनाओं का वहां पर जो उद्घाटन किया गया है, तो योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन बनने के काफी अधिक चांसेस होते हैं। और यहां पर मैं आपके सामने इसको डिस्कस भी कर रहा हूं, जितना खास है मैं उसको यहां पर डिस्कस करता हूं। काफी और भी पॉइंट है जिनको एक बार पढ़ना आपके लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं मैं हमेशा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर उसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखते हैं विकास कार्यों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय अनूपपुर परिसर में 302.17 करोड़ लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। जिला चिकित्सालय क्षमता विस्तार कार्य लागत 17,29,33,10 लाख रुपए की लागत से जैतहारी महू द परासी जामुन मार्ग लंबाई 25.50 किलोमीटर, और यहां पर 15,09,00,000 की लागत से NH-43 से बमहारी वाया सेमरिया लंबाई 21.24 किलोमीटर, 20,59,00,000 लागत से धनपुरी एवं चोलना जलाशय में
सिंचाई परियोजना कार्यों की आधारशिला मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रखी गई। इन सिंचाई परियोजनाओं से धनपुरी, धनगवा, महारी, मझगवा, झोलना, पोड़ी एवं गोणी ग्राम के जो लगभग 920, जी हाँ काफ़ी बड़ा हेक्टेयर यह होता है, 920 हेक्टेयर रकबे की सिंचाई सुविधा का क्या होगा, विकास होगा। तो यह कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्यमंत्री द्वारा की गई। मुख्यमंत्री द्वारा 15 ग्रामों में 16 करोड़ 85 लाख लागत की नल जल योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की है और काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है, नल जल योजनाओं का भूमि पूजन किया गया। उक्त परियोजनाओं से ग्राम बीहड़बकी, झिरोला, जो ने ये प्रमुख जो ग्राम है उनके नाम है, यह उतने अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। लगभग यहाँ पर आपको यह देखना है कि 39,561 जनसंख्या इससे लाभान्वित होगी और इन ग्रामों की कुल 7970 परिवार क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से लाभान्वित होंगे। 6 माह की अवधि में इन कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। यहाँ पर यह ग्राम इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर इनके द्वारा कितने लोगों को लाभ होगा, कितने इसकी लागत है योजना की और भी बहुत कुछ। यहाँ पर कुछ अन्य डाटा दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अनूपपुर शहर में 12 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। साथ ही शासकीय एकलव्य विद्यालय में 1 करोड़ 9 लाख की लागत से आधुनिक सुविधा युक्त ऑडिटोरियम। ग्राम कुकड़गोण हरी में 76 लाख लागत की गौशाला। ग्राम सोन महोसी में 51 लाख की लागत की नर्सरी। यह सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसमें आपको केवल और केवल इनकी लागत और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं अनूपपुर शहर का यह फैक्ट। इसके बाद एकलव्य विद्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आदिवासियों के लिए खेल विद्यालय है जो सुविधा युक्त है, इन सबको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी PDF आपको मिली जाएगी, वहाँ से जाकर आप एक बार इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का सवाल, वर्तमान काल में मध्य प्रदेश में बाढ़ के दौरान कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया, सरकारी आंकड़ों के अनुसार। जी हाँ आपको बताना है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि आज ही के दिन मुख्यमंत्री जी द्वारा यह कहा भी गया है कि हमने लगभग इतने लोगों को बाढ़ से निकाला और मध्य प्रदेश का यह ऑफिशियल डाटा है, इसे उन्होंने सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट को भी भेजा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो प्लीज इसका आंसर जरूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।